अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल चिकन के कबाब। कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक मैंने पैन ली हूँ, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाली हूँ, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, इसे थोड़ा तड़कने देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की ऑनियन है, इसे बारीक कट कर ली हूँ, इसे सिर्फ नरम होने देंगे, इसका कलर चेंज करना है हमें और इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद क्या डालते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, नरम हो चुकी है हमारी प्याज, और ज़्यादा इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने चिली पेस्ट डालूंगी, आपको जितना स्पाइसी करना है वैसे आप कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। इसे 2 मिनट तक के हमें भुनने देना है ताकि इसके कच्चापन जाए और इसकी स्मेल चले जाए। 2 मिनट के बाद मैं क्या डालूंगी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करूंगी और इसी में मैं 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करूंगी। गरम मसाला पाउडर है, ये होममेड है, मैं होममेड गरम मसाला पीस के रखती हूँ तो वही डाली हूँ। और 1 कटोरी भर के मैं ये कैरेट ऐड कर दूंगी, इसे भी बारीक कट कर लिया है मैंने। आपको जो वेजेस अच्छी लगती है आप वो डाल सकते हैं इसमें। 1 कटोरी भर के मैं शिमला मिर्ची यानी कैप्सिकम वो भी ऐड कर दूंगी, बारीक कट कर लेंगे ताकि हमारी वेजेस भी अच्छे से गल जाए। 1 कटोरी मैंने चिकन स्टॉक है जो बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारी वेजेस अच्छे से गल जाए और इसे इसका पानी ऑब्जर्व होए तक कि हमें इसे पकाना है। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करी हूँ। देखिए जो चिकन मैंने शेड करके इसमें मिक्स कर दी हूँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, मेरा वीडियो शूट नहीं हुआ था। और ये देखो चिकन मैंने बॉईल करके इसमें बॉईल करने के टाइम 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली थी, सॉल्ट डाली थी और थोड़ा सी पानी डाली थी, चिकन गल गया और जो स्टॉक बचा था वो हमने वेजिस में ऐड कर दी थी ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और अब मैं जो बॉईल किए हुए पोटैटो है, ये 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो है, ये मैंने बॉईल करके ली थी, इसमें हल्का सी नमक डाली थी। और अब ये बैटर जो है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी सारा। इसके अंदर पहले मैं कोथमीर ऐड करूंगी, ये कोथमीर का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। मैं आलू के अंदर सब मिक्स कर दूंगी और जो बैटर हमने बना के रखे थे चिकन का वो सारा इसमें ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स कर देंगे हम अच्छी तरीके से। और अब मैं ये जो बटर का बुक्का करी हूँ यानी बटर का फाइन पाउडर बना ली हूँ, आप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बटर था, ब्रेड क्रम्स नहीं था, तो मैंने बटर का एक फाइन पाउडर बना ली हूँ सूखा, और इसी में मैं कबाब का शेप देके इसमें लपट के और अंडे में डिप करके इसे फ्राई करूँगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ब्रेड क्रम्स ही चाहिए या क्या बोलते ब्रेड क्रम्स में ही हमें करना है, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो कर सकते हैं। अब मैं कबाब का शेप दे दूंगी और इसमें अच्छे तरीके से कोट कर लूंगी। इसको कोट करने के बाद मैं एक अंडा फेंट लूंगी, उसके अंदर मैंने अंडे के अंदर खाली सॉल्ट डाली थी, ये सॉल्ट है इसमें खाली और अंडा है, इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसमें डिप करके अब हम शैलो फ्राई करेंगे। एक पैन ली हूँ, इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दी हूँ। अब जितने हमने कबाब सब करके रखे थे प्रिपरेशन वो इसमें मैं फ्राई कर लूँगी एक एक करके। अब जितना एक बैच में आता है उतना मैं डालूँगी। देखिए ये मैं ऐड डाल रही हूँ अंडे में डिप करके और ये ऑयल में डाल दी। ऑयल हमें अच्छा गर्म होने देना है, फिर गैस का फ्लेम हमें स्लो कर देना है जब ये हम कबाब ऐड करेंगे। तो इसे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है, फिर पलटना है, फिर दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे कबाब हम फ्राई करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन ज़्यादा तेल में ज़्यादा ऑयल में नहीं करना है, हमें डीप फ्राई ज़्यादा नहीं करना है, थोड़े ही ऑयल में हमें इसे पकाना है। देखिए मैं अभी एक एक कबाब करके पलट लूँगी क्योंकि एक तरफ से मेरा कबाब पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। सारे कबाब हम ऐसे ही गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर दूसरे साइड से भी अगर ऐसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम डायरेक्ट इसे निकाल लेंगे।
देखिए पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं कबाब, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ऐसे ही गोल्डन ब्राउन करना है हमें। देखिए सारे कबाब मैं ऐसे ही फ्राई करके ले लूँगी, अब मैं आपको डायरेक्ट डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए एक बार मेरे अंदाज़ में ज़रूर बनाना, बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम रेशेदार है। देखिए एकदम रेशे चिकन के दिख रहे हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये। रमज़ान में हम अफ्तारी के टाइम ऐसे बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, दिल खुश हो जाता है ये कबाब खाने के बाद, एनर्जी भी आती है क्योंकि इसमें सारे वेजेस भी है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। बाय बाय।